क्वेश्चन नंबर 17 to 40 है, इसमें वो पूछ रहा है डोमेन बताएं फंक्शंस के, रेंज भी पूछ सकता है डोमेन भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है डोमेन। अब अगर आप और करें क्वेश्चन नंबर 17 को, तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको समझाता हूँ यहाँ पे करके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 17, इसमें वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है उसने और उसका डोमेन पूछ रहा है इज इक्वल्स टू -10, डोमेन बताओ। तो डोमेन होता है इनपुट वैल्यू, यहाँ 10 के साथ कोई इनपुट वैल्यू लिखी हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ इनपुट वैल्यू में, एफ ऑफ 0 एक्स की जगह 0, तब भी ये मान आंसर -10 आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन का आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन इनपुट तो चेंज हो सकता है ना। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो सिर्फ -10 होगी, लेकिन इसने रेंज पूछा ही नहीं है, क्योंकि हमेशा चाहे 1 पुट करूंगा, 1 भी यहाँ पुट नहीं हो रहा कहीं, तो आंसर तब भी -10 आएगा। 2 पुट करूंगा एक्स की जगह, तब भी -10 आएगा। तो अगर ये पूछता डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो हमेशा इसकी रेंज क्या आनी थी, -10 की वैल्यू आनी थी। लेकिन इसका डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन तो सारी वैल्यूज आ रही हैं, हर वो इनपुट वैल्यू सुनिएगा और ये नोट कर लें और लिख लें अपने पास, अपने पास अपनी मेमोरी में, अपने रजिस्टर में, अपने पास ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट लिख लें। वो क्या है कि हर वो इनपुट वैल्यू डोमेन का पार्ट होगी जिसका आउटपुट रियल वैल्यू आएगी, इमेजिनरी नहीं होगा। हर वो वैल्यू डोमेन का पार्ट होगी जिसका आउटपुट रियल आ रहा होगा, इमेजिनरी नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिनरी का क्या मतलब है, इमेजिनरी का मतलब है आयोटा वगैरह। तो आयोटा वगैरह अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वो इनपुट वैल्यू जिस पे आयोटा आ जाए आउटपुट, इमेजिनरी आ जाए, अंडर रूट के अंदर माइनस नेगेटिव साइन आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए, इसका मतलब है वो इनपुट वैल्यू डोमेन का पार्ट ही नहीं होगी जिसपे आउटपुट इमेजिनरी हो जाए। तो हर वो वैल्यू डोमेन का पार्ट होगी जिसपे आउटपुट आपका रियल आ रहा है। क्लियर है, ये बात क्लियर है? ऑल राइट, यस सर। ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे -3 भी पुट कर सकता था, -50 भी पुट कर सकता था, माइनस सर इनपुट में माइनस, एक मिनट, -1 लाख भी पुट कर सकता था, कुछ भी पुट करता, आउटपुट तो चेंज हो ही नहीं रहा था, ठीक है। इनपुट में सारी वैल्यूज पुट करता था और आउटपुट भी रियली आ रहा है, एक ही कांस्टेंट है लेकिन रियली आ रहा है -10। तो इसका आउटपुट, इसका जो आंसर होगा, इसका जो उसने पूछा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका डोमेन होगा ऑल, इसका डोमेन लिखे अपने पास, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल एज डोमेन, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स यानी कि -∞ से लेकर +∞ तक जितनी भी रियल वैल्यूज हैं एक्स की, वो सारी पॉसिबल है एज अ पार्ट ऑफ डोमेन, क्योंकि सब पे आउटपुट क्या आ रहा है, -10, और -10 कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, एक रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये थोड़ा समझिएगा, ये समझने में थोड़ा मुश्किल आती है ये चीजें। जी क्लियर है स्टूडेंट्स? जी सर। ऑल राइट, सर वलीद को एक्सेप्ट कर लें। ऑल राइट, वलीद, अलीजा बतूल, ये कौन है? अलीजा बतूल है हमारे उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें, आप इस तरह से आपने जब स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास पॉजिटिव आ रहा था, इसकी वजह से आपको अपना रीजन पता चल गया कि डोमेन की वैल्यूज कौन सी होंगी। तो -4 और उससे सारी बड़ी वैल्यूज डोमेन का पार्ट है, और उससे छोटी वैल्यूज डोमेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनपे आउटपुट इमेजिनरी हो जाता है। तो मैंने फंक्शन आपको डेफिनेशन बताते हुए क्या बताया था, हर वो इनपुट वैल्यू डोमेन का पार्ट है जिसपे आपका आउटपुट रियल आएगा, और हर वो इनपुट वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं हो सकती जिसपे आउटपुट इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास स्टूडेंट हैं, उनका नाम है, किसने रेज किया था हैंड? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ऑल राइट, मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ इसी तरह का। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर
26 को डिस्कस कर लेते हैं, 27 आप कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 26 में हमें ये कह रहा है कि -2x + 25, ठीक है, तो जो भी लिखा हुआ है पहले उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के, -2x ब्रैकेट -2x + 25 = 0, ठीक है, फिर ये माइनस का 2x को उधर ले जाएं या प्लस को उधर ले जाएं, जैसे करना चाहें, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा, आखिर में सिंप्लीफाई होके बचेगा 2x = 25, ठीक है, 2x = 25, x को डिवाइड कर दें उधर, 25 डिवाइड बाय 2 कर दें तो आखिर में बचेगा हमारे पास x = 12.5। अब ये 12.5 हमें पता है ये हमारे डोमेन का पार्ट है, ठीक है, ये हमारे डोमेन का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा 12.5, ठीक है, और ये हमारे डोमेन का पार्ट है, अच्छा, तो या तो इससे इस तरफ वाली वैल्यू हमारे डोमेन का पार्ट है, या ये और इससे इस तरफ वाली वैल्यू हमारे डोमेन का पार्ट है, तो इस तरफ वाली वैल्यू 12.5 से छोटी वैल्यू होती है 12, और 12.5 से बड़ी वैल्यू क्या होती है 13, तो किसी एक वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, तो कौन सी करूं दानिया? 12 करें सर। 12 कर देता है, तो जब हम 12 यहाँ पुट कर रहे हैं तो 12 2 24, तो -24 + 25, आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं 2x की जगह यहाँ x की जगह पुट करूं 12 2 24, माइनस का 24 प्लस का 25, तो 25 - 24 = 1, स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ रहा है, 12 पुट करने पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ रहा है, तो 12.5 और उससे छोटी सारी वैल्यूज डोमेन का पार्ट है इस दफा, ठीक है, इस तरफ वाली, जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x < 12.5, 12.5 तो था, उससे छोटी वैल्यूज हमारे डोमेन का पार्ट है, तो डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन is x values of x which is less than or equals to 12.5, clear है यहाँ तक? तो सर अगर हम 13 ले लेंगे तो तब भी यही आएगा? नहीं, अगर 13 ले लेते तो हमारे पास क्या हो जाता, देखो ना, तो यहाँ अगर मैं 13 put करता, 13 2 26, तो ये हो जाता -26 + 25 = -1, अगर आपने वो वैल्यू ऐसी पुट कर दी जिधर इमेजिनरी आ रहा है तो वो साइड नहीं है, दूसरी साइड आपके डोमेन का पार्ट है, और आपने जो आउटपुट पुट वैल्यू पुट की उस पे इमेजिनरी नहीं आ रहा तो वही आपका इनपुट डोमेन का पार्ट है, ठीक है, दोनों को ट्राई करने की, चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने दोबारा चेक करके भी दिखा दिया, दूसरी साइड जो है इमेजिनरी आ रही है, अच्छा, तो ये वैल्यूज, इसमें इन वैल्यूज को भी आप कुछ वैल्यूज को अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो फर्दर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कह रहे हैं द फंक्शन सी ऑफ एक्स, फिर से वो इस तरह के क्वेश्चन आ गए जो हमने 2.3 2.5 में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, कि कॉस्ट कह रहा है इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स
मैन्युफैक्चर्ड एक्स, सी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, कॉस्ट किसका फंक्शन है एक्स का, जितने ज्यादा यूनिट्स हम ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे हमारे पास कॉस्ट बढ़ती रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती रहेगी, जाहिर सी बात है जो चीज हम बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल भी आ रहा है, उस पर लेबर चार्जेस भी लग रहे हैं, सारी चीजें, तो हर एक यूनिट पे 15 रुपए लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ भी नहीं बना रहे एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो तब भी 80,000 का एक्सपेंस आ रहा है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये जब आप कुछ नहीं बना रहे तो 80,000 का एक्सपेंस फिर कब क्यों आ रहा है? जी सर फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है। अब आधे बच्चों को तो फिक्स कॉस्ट पता ही नहीं है क्योंकि चैप्टर 5 तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। तो जी ये फिक्स कॉस्ट जो इन्होंने बोला है दानिया ने, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? जी एक दानिया को पता है फिक्स कॉस्ट के बारे में, चले फिक्स कॉस्ट नहीं पता आपको कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम नॉट डिस्कसिंग कि ये फिक्स कॉस्ट, हमने तो पढ़ा ही नहीं सीखा ही नहीं फिक्स कॉस्ट, लेकिन सिर्फ इतना तो बताएं कॉमन सेंस से कि किसी एग्जाम्पल से बताएं कि जब हम कुछ नहीं बना रहे तो 80,000 का एक्सपेंस कैसे आ रहा है, फिर एक्स की जगह मैं यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ, सर रेंट है क्या वो। रेंट है? अच्छा जी, और कौन इनसे सेटिस्फाई है कि ये रेंट है, ये रेंट होगा मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, रेंट, सही कह रहे हैं। रेंट सही है, अगर फिक्स रेंट है तो सही है, ठीक है फिर इसके हिसाब से सही है। लेकिन अगर हम और इसको आराम से डिटेल में देखें तो ये रेंट भी हो सकता था, या आपने कोई प्रोडक्शन हाउस जो आप किसी जो है ओनरशिप में लिया उसके चार्जेस भी हो सकते थे, या आपने नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हाउस भी आपका अपना है, रेंट भी नहीं दे रहे लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए मशीन तो खरीदेंगे, तो ये मशीन की कॉस्ट हो सकती है। भाई आपने लाके 80,000 की मशीन रख दी अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर कि मैं जो है चीजें बनाऊंगा मैन्युफैक्चर करूंगा, लेकिन उसके बाद 0 यूनिट बनाए, ताला लगा के उसको मशीन को चले गए, तो मशीन के पैसे तो लग गए ना, 80,000 तो खर्च हो गए, तो ये फिक्स कॉस्ट इसलिए कहलाती है। फिक्स या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का आगे एग्जाम्पल्स दूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल दिया भाई, जो चीज नहीं चेंज होती, क्योंकि वहां बताया था आपके पास ये स्लोप होता है, इसकी वजह से वेरिएबल के अंदर जैसे जैसे वैल्यू चेंज आती है पर यूनिट के हिसाब से स्लोप की वैल्यू का चेंज आता रहता है आपके टोटल वैल्यू में, और ये वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जब ये एक्स 0 होता था याद है, तो ये 80,000, तो ये कह रहा है कि जब कोई चार्ज कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तब 80,000 हो रहे हैं, और हर एक यूनिट बढ़ाने बनाने पे 15 रुपये का एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। तो और टोटल यूनिट जो वो बनाना चाह रहे हैं वो 50,000 बनाना चाह रहे हैं, जब बनाएंगे, जब नहीं बनाएंगे तो 0, जब बनाएंगे तो 50,000। तो स्टेट द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज, अब डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पूछ रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में देख लें। ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी हम वो वाली एग्जाम्पल को समझते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन वाली, अगर आपको याद हो वैल्यू ऑफ मशीन की एक एग्जाम्पल होती थी हमारे पास, अगर आपको याद हो कि टाइम जब 0 होता था टी, इधर टी होता था, इधर वैल्यू ऑफ मशीन होती थी वी, और जब हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू 0 होता था तो वैल्यू ऑफ मशीन मैक्सिमम होती थी, फॉर एग्जाम्पल 80,000 की मशीन होती थी या 90,000 की होती थी, जो भी था अमाउंट, अगर आपको 2.3 के सवालात याद हैं तो मैक्सिमम। और एक वक्त आता था वैल्यू डेप्रिसिएट होते होते, एक टाइम आता था जब वैल्यू ऑफ मशीन 0 हो जाती थी, तो हम कहते थे कि कितने साल के बाद हो गई, फॉर एग्जांपल 8 साल के बाद हो गई, फॉर एग्जांपल 8 साल के बाद वैल्यू ऑफ मशीन 0 हो गई, ठीक है। 0 साल पे यानी नई जब मशीन खरीद के लाए थे उस पर कोई भी उसको हमने यूज करने का ड्यूरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो पूरे पैसे की थी यानी 80,000 की थी, और हर एक गुजरते हुए साल 10,000 से कम होती रही जिस अंदाजे से हमने ये बनाया है, और 8 साल के बाद वैल्यू ऑफ मशीन 0 हो गई। अच्छा इससे पीछे भी तो कोई पॉइंट हो सकता, ले सकते हैं ना हम, मैथमेटिक्स तो कहती है कि हम
इधर से आगे इस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स से आगे भी इधर भी बढ़ सकते हैं और इधर भी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर बढ़ते हैं तो क्या समझ आता है, अगर ये कोई एक पॉइंट लेता हूँ यानी कि जो कि इस जगह लाई कर रहा है और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो कहीं इस जगह पे लाई कर रहा है, या यहाँ पे कोई पॉइंट लें जो कि यहाँ लाई कर रहा है और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, और उसका अगर लाइन में कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है। तो फॉर एग्जाम्पल ये तो 90 या 85,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल, पीछे जब गए इधर तो यहाँ तो 9, तो ये तो पॉसिबल है कि किसी वैल्यू की मशीन की वैल्यू 85, लेकिन टाइम आप जीरो नेगेटिव में नहीं लेते ना, तो यहाँ आप फॉर एग्जाम्पल -1 पीछे चले गए एक साथ, या अगर पीछे गए तो 90,000 कर दिया, चलो 10 के हिसाब से पूरा जा रहे हैं तो 90,000 कर दिया, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है वैल्यू, टाइम हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। तो अब जब तक हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे, हम माइनस इन्फिनिटी से, ये देखे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जहां पे भी लाइन जा रही होती थी हम उसको कंटिन्यूस रखते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, क्योंकि वैल्यू टाइम, वैल्यू तो पॉजिटिव है, टाइम इससे पीछे नेगेटिव हो रहा है, तो टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अब, तो यहाँ हम लॉक लगा देंगे, इससे पीछे की कोई पॉइंट नहीं लूंगा मैं, ये इधर का पॉइंट या यहाँ का पॉइंट या यहाँ का पॉइंट, क्यों, क्योंकि इससे पीछे जाते ही टाइम जीरो से पीछे जाते ही टाइम की वैल्यू क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने डोमेन को। जब डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, इनपुट मेरा पहले ऑल रियल वैल्यूज था, अब मैंने क्या किया अपने इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करता चला गया, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, जब इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो हर एक इनपुट पे आउटपुट भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज, ठीक है। हाँ जी जी मारिया को ऐड कर लें सर, वो मैसेज कर रही है। अच्छा ठीक है, और एक ठीक है ठीक है। अच्छा इसके बाद हम फर्दर देख लेते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से आगे कोई पॉइंट देखता हूँ, यहां तक तो समझ आ रहा था कि वैल्यू ऑफ मशीन 8 साल के बाद जीरो हो गई, इस पॉइंट पे देखता हूँ, इस पॉइंट पे अगर टाइम को देखें तो टाइम तो 8 साल की जगह बढ़ के, ये 8 थी ना वैल्यू एक्स की, अब यहाँ हो गई 9, तो इस पॉइंट पे टाइम 9, 10, 11 पॉसिबल है, लेकिन इस लाइन का एक्स वाला पॉइंट तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, ये वाई पे अब यहाँ गिर रहा है जाके, वाई पे सॉरी वाई पे ये पॉइंट कहीं यहाँ जाके गिर रहा है, तो वाई में अब वैल्यू क्या हो गई, इस पॉइंट पे जाते ही वाई में वैल्यू, ये जीरो से नीचे जाओगे वाई तो ये नेगेटिव है। कभी आपने ऐसा कहा है कि मुझसे